सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं रैंच सिम्युलेटर। और लास्ट टाइम, जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट टाइम मैंने अपने रैंच में एक मुर्गी का फार्म बनाया था, जो कि भाई सामने आपको दिख ही रहा होगा। और यार, मैंने अपनी सारी मुर्गी वगैरह इसमें शिफ्ट भी कर दी थी और मैंने इसको पेंट वगैरह भी कर दिया था। और यहाँ पर देखो, अपनी काफी सारी मुर्गियां घूम रही है, खाना वाना खा रही है और गंद भी फैला रही है। ठीक है, तो गाइस आज हम बनाने वाले एक अपने रेंच में एक टावर, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। और जहां से खड़े होके हम अपने रेंच का और जनरल स्टोर और बेस्ट बर्गर शॉप और काफी सारे जो अपने यहाँ पर दुकान वगैरह शॉप वगैरह है वो देख सकते हैं। और आज हम अपने गैराज पर भी पेंट करने वाले हैं। यार, ये ऐसा सोना सोना सा लग रहा है, तो बढ़िया नहीं लग रहा है। वैसे मैंने अपनी सारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर रखी है और गाय देखो भाई कितनी सारी हो चुकी है हमारे पास। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पर थोड़ी बहुत गाय वगैरह भी बेच दी जाए। वैसे अपना गैराज देखो भाई, यहाँ पर अपनी 3 गाड़ी खड़ी है। वैसे मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत गाड़ियाँ भी परचेज करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार ही ऊपर चल के देखते हैं। और ये ना इसकी बैक साइड है, तो ये बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये क्या पड़ा हुआ है? ओ भाई साहब, यहाँ पर अपनी एक गाय आकर मर चुकी है और एक बकरी भी पड़ी हुई है। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे जिंदा हो भाई, बकरी तो बिल्कुल ऐसे ही लग रही है जैसे जिंदा हो, बट ये मर गई है। खैर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बाहर निकलोगे तो यही हाल होगा। इधर से देखो भाई, अपना जो गैराज है ना, वो क्या ही मस्त लग रहा है। तो आज इस पे पेंट हो जाएगा और भी ज़्यादा ये कूल लगेगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से ना मैं ये वाली गाड़ी लेकर चलता हूँ और अपना यहाँ पर एक देख लेते हैं, यहाँ पर अपना जो टावर है वो मैं कहाँ पर बना सकता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपना टावर इधर की साइड में बनाया जाए, ताकि हम यहाँ पर जो जनरल स्टोर है और जो अपना बेस्ट बर्गर शॉप है वो भी देख सके। तो यार, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अपना टावर बनाया जाए और काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बनाया जाए। बट ये सारे मुझे लक्कड़ वगैरह हटाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, इनको तो हटा देंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट से मैं अपनी गाड़ी और बड़े वाला ट्रेलर लेके चलते हैं हार्डवेयर स्टोर, क्योंकि यार इसमें ना काफ़ी सारे प्लैंक्स लगने वाले हैं और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हार्डवेयर स्टोर। वहाँ पर काफ़ी सारे प्लैंक्स लेकर आना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से ना ये वाला ट्रेलर लेकर चलती है, क्योंकि इसमें आएंगे सबसे ज़्यादा प्लैंक्स। और यार, कम से कम 200 प्लैंक तो अपने मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि उससे कम में तो यार बनने नहीं वाला। तो भी फटाफट से चलते हैं हार्डवेयर स्टोर। ओके गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर हार्डवेयर स्टोर और फटाफट से ना मैं अपनी गाड़ी अंदर की साइड में कर लेता हूँ। और इसमें काफ़ी सारे प्लैंक्स ऊपर से गिरने वाले हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे प्लैंक्स परचेस करने वाला हूँ। तो एक बारी मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, एक बारी में शायद से 50 प्लैंक्स यहाँ पर ऐड हो जाती है। देखते हैं, ठीक है, एक बारी में देखते हैं कितने प्लैंक्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर 30 तो ऐड कर लिया, 40 ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बारी में 50 ऐड हो जाती है। तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना 200 प्लैंक्स अपने परचेस कर लेते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने यहाँ पर 200 प्लैंक परचेस कर लिए। और गाइस, यहाँ पर देखो भाई क्या ही हाल हो चुका है। ओ भाई साहब, अपना गेम भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लैग करने लगा है। अगर हम यहाँ पर 1000-2000 प्लैंक परचेस कर लेंगे, तब अपने गेम का यहाँ पर क्या हाल हो जाएगा। बट अब ये काम करते हैं, फटाफट से ना अपने ये सारे प्लैंक्स अपनी गाड़ी में भर लेते हैं। A few moments later. तो चलो यार, मैंने सारे प्लैंक्स अपनी गाड़ी में भर लिए है। अभी फटाफट से चलते हैं अपने रेंच में और अपनी गाड़ी देखो भाई, अपना जो ट्रेलर है वो काफी ज्यादा उसमें प्लैंक्स आ चुके हैं। बट अभी भी यार इसमें लग रहा है कि हमने इतने सारे प्लैंक्स नहीं रखे है। और यार, मुझे लग रहा है ना इसमें काफी सारे प्लैंक्स आ जाएंगे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, 2-4 प्लैंक्स यहाँ पर भी पड़े हुए है। ठीक है, ये लास्ट रह चुका है, इसको भी फटाफट से लगाते हैं अपनी गाड़ी में। ओके, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने रेंच में और फटाफट से ना मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर जो ये पहाड़ी सी है इस पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि जो अपने टावर का काम है ना वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से अपनी गाड़ी को यहीं पर रोक देते हैं। वैसे यार, बारिश ना इतनी तेज पड़ रही है, एक तो ये बारिश ना दिमाग खराब कर देती है। जब भी यार मैं गेम खेलने आता हूँ, जब भी अपना गेम स्टार्ट करते हैं ना, रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ मैं इसकी, तो यार एक तो बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगती है। और अगर मैं इसको ऑफलाइन खेलता हूँ ना, तब यार ये नहीं पड़ती, पता नहीं क्या सीन चलता रहता है इसका भी। खैर, अब ये सारे ब्लॉक मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो फाइनली मैंने सारे ब्लॉक यहाँ से हटा दिए और अभी जाके ये एरिया यहाँ पर क्लियर हो चुका है। वैसे जो अपना टावर है ना, वो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा बनने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से निकालते यहाँ पर अपनी बुक।
ओके गाइस, तो अपना जो टावर है ना वो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने तैयार कर दिया है, क्योंकि यार मैं अगर इसको पूरी लंबी वीडियो बना के दिखाऊंगा ना तो ये काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये ना फटाफट से तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे एक दो घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि ऊपर इतनी जाना, एक एक प्लैंक्स का स्टॉक लेकर ऊपर इतना जाना काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो फटाफट से इसको तैयार करते हैं। One hour later. Okay guys, तो फाइनली टावर कंप्लीट हो चुका है, और यार इसमें ना काफी ज्यादा टाइम लग चुका है, 2 घंटे यहाँ पर मैंने इसमें लगा दिया है। लेकिन यार अभी जो ऊपर का फ्लोर है ना उसको मुझे यहाँ पर बनाना बाकी है, बट यहाँ पर ना इसमें काफी ज्यादा टाइम पेंट करने में भी लगने वाला है, क्योंकि इतने ऊंचे टावर में यार मैं सोच रहा हूँ इसको पेंट में कैसे करूंगा। यार एक तो मुझे साथ के साथ इस पे पेंट करते चलते रहना चाहिए था, या फिर मैं ऊपर से कूद कर यहाँ पर एक एक वॉल पर पेंट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक जैसा पेंट होने वाला है। तो खैर अभी छोड़ो, एक काम करते हैं, फटाफट से इस वाले पिक को अंदर कर देता हूँ मैं, ये बाहर ही घूमता रहेगा, बेकार में मर जाएगा, और अंदर ये खाता पीता रहेगा, तो थोड़े बहुत यहाँ पर और पिक मिल जाएंगे। ठीक है यार, ये आ भी पाएगा अंदर की साइड में, पर आ तो जाएगा लेकिन ये नहीं इसको आने देंगे भाई, ये पहले भाग लेते हैं। अबे खैर छोड़ो यार, ये तो नहीं आ रहा है, बट अभी ना मैं यहाँ पर ये वाला जो मैंने बार्न हाउस बनाया था, वैसे यार इसको बार्न हाउस तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये मैंने एक पार्क टाइप से बनाया था, बट इसको मैं तोड़ने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ना एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं हार्डवेयर स्टोर, और वहाँ पर मैं पेंट लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि इसको भी हम अपने गैराज को पेंट करने वाले हैं। यार एक तो इतनी सारी गायें देखकर ना मुझे दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ से कुछ गायें ले जाकर बेच दूँ, बट अगर हम इनको मार के बेचेंगे तो यार मार के तो मैं नहीं बेचने वाला, इनको ना मैं ऐसे ही ले जाकर बेचूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ना इनका खाना पानी भी एक बार ही देख लेता हूँ, खाना पानी शायद से इनका खाली हो चुका होगा। हाँ ठीक है भाई साहब, यहाँ पर तो पूरा ही खाना इनका खाली हो गया था, फटाफट से करते हैं इसको फुल। ओके, और अभी पानी का मैं ये भी फुल कर देता हूँ। ठीक है चलो, मैंने यहाँ पर इनका खाना पानी भी फुल कर दिया है, और मेरी गाड़ी हाँ इस वाली गाड़ी को ही लेकर। यार इनका हिरन का क्या ही दिक्कत है इनकी, है क्या ही सीन यार। एक गोली और लगी, ठीक है इनका भी अलग ही सीन चलता रहता है। खैर अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास कलर तो ग्रीन कलर तो रखा हुआ है, ठीक है अभी नीचे की साइड में ये वाला पेंट करके देखते हैं, अगर ये वाला पेंट सही लगा तो हम इसको कर देंगे। ठीक है वैसे अभी ये ठीक लग रहा है, तो इसको पूरा कंप्लीट करके देखेंगे। एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं यहाँ पर पेंट वगैरह लेने, और जो अपना गैराज है उसके लिए भी हम पेंट लेकर आने वाले हैं। तो आज जितना भी ये पेंट वगैरह का काम है ये सारा मैं यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने काफी सारे पेंट के डब्बे ले लिए है, और ये देखो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर ले लिया है, और यहाँ पर ग्रीन और ब्लू और व्हाइट सारे कलर यहाँ पर ले लिए है, बट इनको गाड़ी में रखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर फटाफट से अपनी गाड़ी में सारे पेंट के डब्बे रख देता हूँ, और यार फिर चलेंगे अपने रेंच में, और आज जो अपना टावर है उस पर हम यहाँ पर तिरंगा बनाने वाले हैं। फटाफट से सारे कलर मुझे रखने होंगे अपनी गाड़ी में। वैसे मैंने अभी ये वाला पेंट टावर के लिए ही लिया है, क्योंकि गैराज का मैं देखूंगा एक बार ही जाके गैराज का मुझे कैसा पेंट करना होगा, अगर इसमें से कुछ पेंट बचेगा तो मैं एक बार ये भी करके देख लूंगा। तो भी फटाफट से सारा पेंट मैं अपनी गाड़ी में भर लेता हूँ। तो भी मैंने सारे पेंट के डब्बे अपनी गाड़ी में भर लिए है, और यार सैसिन में जो अपना टावर है वो शायद कंप्लीट हो जाए, या फिर और पेंट लगेगा। तो यार एक बार ही मैं अपना बैलेंस चेक करूँ, तो बैलेंस हमारे पास $1700 रह चुके हैं। तो यार $1700 तो काफ़ी ज़्यादा कम पड़ने वाली है, लेकिन अपने पास यहाँ पर काफ़ी सारा पोर्क पड़ा है, तो उसको बेच के हम यहाँ पर पेंट वगैरह का जो काम है उसको कंप्लीट कर देंगे। जनरल स्टोर पे भी पोर्क पड़ा हुआ है, तो देखेंगे यार कोई ऑफर वगैरह चल रहा होगा तो उसको बेचेंगे। एक बार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना ऑफर वगैरह देख के चलता हूँ, अगर कोई ऑफर यहाँ पर चल रहा होगा तो मैं सारा पोर्क आज ही बेच दूंगा। खैर अभी फटाफट से यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, कोई ऑफर वगैरह चल रहा होगा तो यार बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है तो भी यहाँ पर ऑफर देखते हैं पोर्क वगैरह का। यार एक तो पोर्क का ऑफर ही नहीं चलता है, पता नहीं इनको पोर्क वगैरह चाहिए या फिर नहीं। मीट बॉल वगैरह का ऑफर चलता रहता है, और देखो यार यहाँ से भी अपना जो टावर है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ पर रोकते हैं, और नीचे की साइड में एक बार मैं ये वाला पेंट करके देखता हूँ। हाँ ठीक है, ये वाला पेंट लग रहा है भाई काफी ज्यादा बढ़िया, इसको ही मैं करने वाला हूँ। वैसे ऊपर की साइड में यार ऊपर की साइड में दिक्कत करेगा ये, मुझे ना ऊपर से कूद के आना पड़ेगा तब यहाँ पर पेंट होएगा।
लेकिन जितना मैं यहाँ से नीचे की साइड से कर सकता हूँ वो मैं सारा कंप्लीट कर देता हूँ। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसमें फटाफट से पेंट कर देता हूँ, क्योंकि यार इसमें पेंट करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसको फटाफट से करते हैं कंप्लीट, उसके बाद अपने गैराज पर भी यहाँ पर पेंट करने वाले हैं, तो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ओके, तो गाइस फाइनली मैंने इस पे पेंट कर दिया और ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। बट यार दो साइड से अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, एक तो ये बैक साइड से नहीं हुआ है और यार एक ये इधर की साइड से नहीं हुआ है, क्योंकि यार इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है। बट इसको मैं ऑफलाइन खेल के कंप्लीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वगैरह की बात नहीं है। तो यार देखो फाइनली जो लुक निकल के आया ना, काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है, अपना ये तिरंगा बन चुका है। लेकिन यार मैंने इसमें बीच में जो ब्लू कलर है वो लगा के देखा था, तो यार इतना बढ़िया नहीं लग रहा था, क्योंकि यार अगर जो मैं यहाँ पर तीन वो बनाता ना, यहाँ पर मैंने ये दो ही वॉल की बनाई है, तो अगर तीन वॉल की बनाता तो एक वॉल का चक्र बन जाता, बट यार वो नहीं बन पा रहा है। तो खैर अभी जो अपना ये लुक निकल के आ रहा है ना तिरंगे का, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं ना थोड़ा दूर चल के दिखाता हूँ, अभी देखो यार क्या ही मस्त लग रहा है अपना तिरंगा। और यार इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो यार अगर आपको बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। खैर अभी एक काम कर दिया, फटाफट से ना मैं अपने गैराज पर भी पेंट कर देता हूँ। बट यार ये अपनी गाय की हेल्थ वगैरह क्यों दिखा रखी है, चलो इसको बाद में देखेंगे। एक काम करते हैं फटाफट से वो वाली गाड़ी लेकर आता हूँ और फटाफट से अपनी गाड़ी के गैराज पर भी पेंट कर देते हैं। यहाँ पर एक हिरन मरा पड़ा है भाई, तिरंगा यार काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तिरंगा टावर ऊपर का यहाँ पर मैं एक छोटी सी बना दूंगा जिसमें हम ऊपर खड़े होके मज़ा ले सकते हैं बारिश वगैरह का। खैर अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी के गैराज पर ये वाले पेंट के डब्बे लेकर चलता हूँ और वहाँ पर भी कर देंगे। ओके, तो गाइस फाइनली मैंने सारे अपने गैराज पर भी पेंट कर दिया है और भाई देखो यार क्या ही गजब का लग रहा है। पीछे की साइड से तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, हाँ यहाँ पर बचा हुआ है, एक काम करते हैं फटाफट से वाइट पेंट उठाते हैं, वाइट पेंट हाँ ये रखा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रैम पर भी कर देता हूँ, ठीक है, इस पर किया, इस पर और यहाँ पे, चलो अभी ये फुल कंप्लीट हो चुका है। बट ऊपर की साइड से अभी थोड़ा रह चुका है, तो देखो यार पीछे की साइड से तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन ठीक लग रहा है, और आगे की साइड से तो भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। एक बारी आगे चल के देखते हैं, वन टू, मेरे आगे आ जा, ले मार मुझको बेटा, गोली निकालो तेरी ऐसी की तैसी पे, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। ओ हेलो, यहाँ पर ये दो गायें कैसे मर गई? अब यार एक तो इतनी सारी गायें हो चुकी ना, पता नहीं कैसे मर रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के बाहर निकल रही है, पता नहीं यार कैसे मर रही है। खैर अभी देखो यार अपना जो गैराज है उसका लुक देखो भाई, क्या ही ऑसम लग रहा है। तो आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना, और यार काफी ज्यादा मेहनत लगी है तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।